तो पिछले साल सितंबर में शाओमी ने लॉन्च करा था अपना रेडमी नोट 8, और अब इस साल जुलाई में आया है रेडमी नोट 9 शाओमी की तरफ से। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस चालू होता है 12,000 से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी स्पेक्स और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में। और अगर आप कोई फ़ोन परचेस करने का सोच रहे हो 12,000 के अंडर, तो ये बेस्ट फ़ोन निकल के आता है या फिर नहीं, तो इस वीडियो में वही जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको भी ज़रूर से दबा देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस फ़ोन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल Redmi Note 9 Pro की तरह देखने को मिलती हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो Redmi Note 9 Pro का छोटा भाई है ये दिखने में। तो बिल्कुल सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन होता है, लेकिन इसमें आपको पीछे की साइड ग्लास नहीं मिलता है, वो दिखता है एकदम ग्लास जैसे, लेकिन वो आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है पीछे की साइड से। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ डिस्प्ले की। 6.53 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है फुल एचडी प्लस। पंच होल डिस्प्ले इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको एक सामने बिंदी देखने को मिल जाती है जो कि है आपका सेल्फी कैमरा, वो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का। लेकिन ये जो सेल्फी कैमरा है नीचे की साइड के लिए लगाया गया है, आपको एक कॉर्नर में दे दिया गया है, जिससे आप कभी भी वीडियो वगैरह स्ट्रीम करते हो तो उसमें आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है अगर वो बीच में दिया जाता है कैमरा का। तो इसमें आपको ये साइड में मिलता है बिल्कुल, तो ये काफ़ी सही बात है। और इसके पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बिल्कुल Redmi Note 9 Pro की तरह। तो इसमें आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको मिलता है मैक्रो लेंस, और चौथा मिलता है आपको एज अ डेप्थ सेंसर। 2 मेगापिक्सल मेरे हिसाब से मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं हो सकता, मतलब कंपनी और समझती है कि क्वाड कैमरा के लिए एक और लेंस मिल जाता है आपको, लेकिन 2 मेगापिक्सल की कोई खास ज़्यादा क्वालिटी होती नहीं है इनकी। और MI का एक लेजेंडरी फीचर है जैसे कि IR ब्लास्टर, तो वो आपको इस मोबाइल में भी देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, 5020mAh की बैटरी मिलती है आपको एग्जैक्ट सेम जैसे आपको Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro में देखने को मिली थी, बिल्कुल सेम वैसी बैटरी देखने को मिलती है आपको। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मिल जाता है 22.5 वॉट का चार्जर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब 12,000 के अंदर ये बेस्ट बैटरी फ़ोन तो हो जाता है। फिंगरप्रिंट जो रीडर था, जो काफ़ी फ़ोनों में अभी Xiaomi के साइड में पहुंचता जा रहा था बटन में, तो वो फिंगरप्रिंट आपको इसमें बैक साइड में देखने को मिल जाता है। P2i नैनो कोटिंग देखने को मिलती है, मतलब थोड़ा बहुत पानी सह सकता है ये, लेकिन आप इसके साथ अगर होली होली खेलोगे तो इसका पानी निकल जाएगा, मतलब इस पर कोई भी हमें IP रेटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और अगर ये पानी वगैरह से ऐसे डैमेज होता है तो उसमें आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, मतलब वारंटी कोई काम नहीं आएगी, वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होती चीज़। तो ये जो Xiaomi Note सीरीज़ है, इसमें हमें कम बजट में काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो उसी में सबसे बड़ा पॉइंट आता है इसका प्रोसेसर का। तो इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है MediaTek का Helio G85 का प्रोसेसर है। तो इसी के साथ ये पहला फ़ोन बन जाता है जिसमें आपको ये Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि G80 से बढ़िया और G90 से थोड़ा सा कम मिल जाता है, तो उसके बीच का प्रोसेसर है ये। तो अगर मैं इसके बेंचमार्क स्कोर की बात करूं तो उसमें मिलता है आपको 2 लाख के अराउंड का बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से इसमें कोई स्नैपड्रैगन का 700 का सीरीज़ का कोई प्रोसेसर आता तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि MediaTek के इससे स्नैपड्रैगन से थोड़े कम लगते हैं मेरे को प्रोसेसर, क्योंकि इनमें थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिलता है MediaTek में। तो इसकी वजह से अगर ये 700 सीरीज़ का कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देते तो ये और ज़्यादा अच्छी बात और प्लस पॉइंट हो सकता था इस फ़ोन का। और अगर आप इसके कंपैरिजन करो Realme 6 से, तो उसमें आपको G90 देखने को मिल जाता है। G85 आपका प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, क्योंकि ये आपके डेली टास्क वगैरह आसानी से हैंडल कर देगा, और एवरेज गेमिंग भी आपकी मतलब ठीक ठाक हैंडल हो जाएगी इससे। हीट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया MediaTek का प्रोसेसर, तो इसके लिए Xiaomi ने इसके अंदर एक चद्दर बिछा रखी है मस्त ग्रेफाइट शीट की, तो वो उसको थोड़ा कूल करने में मदद करेगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगा प्रोसेसर। तो इस फ़ोन में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक 4+64, एक 4+128 और एक मिल जाता है 6+128GB का। सबसे सस्ता आपको पड़ता है 12,000 का, और 6128 वाला पड़ता है आपको 15,000 का। तो इसमें मेरे को जो सबसे बड़ा एडवांटेज लगा और सबसे बेस्ट इसका फीचर लगा वो मिलता है इसमें आपको 22.5 वॉट का चार्जर प्लस 5020mAh की बैटरी, मतलब आपका 1 से 1.5 दिन ये फ़ोन आराम से निकाल सकता है। और इस प्राइस में मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन अगर आप अपने 1,000 रुपये थोड़े से बढ़ा सकते हो, 1,000 रुपये का बजट बढ़ा सकते हो, तो आप Realme 6i को भी देख सकते हो, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। उसमें आपको G90 का चिपसेट मिल जाता है,
मीडिया टेक का ही, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सबसे फर्स्ट लिंक उसी वीडियो का होगा और आई बटन में भी आपको आ रहा होगा, तो उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको देख सकते हो। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और लाल कलर का नीचे का सब्सक्राइब बटन होगा उसको भी जरूर से दबा देना और साइड में घंटा भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।